हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5A का क्वेश्चन नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट ए। पार्ट ए का क्वेश्चन जो है वो है ए 2x+3 8। अब देखें, जो आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है यहाँ पर, इस ब्रैकेट का काम सिर्फ इतना है कि आपने इसको क्या एज्यूम करना है कि ये है एक मल्टीप्लाई। जब भी बाहर इस ब्रैकेट से जो भी पहला नंबर होगा, जब वो इस ब्रैकेट को खोलेगा तो उसके हर डिजिट के साथ या वेरिएबल के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। ये आपने जहन में रखना है कि इस छोटी ब्रैकेट को जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन में खोलने लगना है तो उससे पेरेंथेसिस को खोलने के लिए आपको क्या करना है, इसको जो अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी नंबर जो बाहर है वो उसको अंदर जितने नंबर्स हैं उनको वो कर देगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हम यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसको हम खोलने जा रहे हैं 2x, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसको हम 2 के साथ एज इट इज़ लिख देंगे। और 2 3s, यहाँ प्लस का लगाएंगे साइन, जो साइन है उसको चेंज मत कीजिएगा। 2 3s साइन उसी वक्त चेंज होता है जब वो दूसरी साइड पर जाता है। तो 2 3s 6 इक्वल हो गया 8 के। अब देखें, आपके पास दोबारा से वही इक्वेशन आ गई है। बस इस अगर ये जो ब्रैकेट वाली है, ये पेरेंथेसिस वाली, इसको कहते हैं, अगर आपको इक्वेशन आती है तो उसको आपने सिंपली कैसे खोलना है वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने इस पेरेंथेसिस को ज्यूम करना है एज अ मल्टीप्लाई का साइन। तो आपने जो बाहर नंबर होगा उसको ईच अंदर वेरिएबल और नंबर के साथ आपने उसको करना है मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये इक्वेशन, एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, हमारे पास सिर्फ एक है, हमारे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हैं, तो हम इससे बोरो करेंगे। इसके लिए इसको हम डबल करने जा रहे हैं, 2x+6। अब यहाँ +6 है तो हम यहाँ -6 करेंगे और यहाँ लिखेंगे 8 और फिर यही -6 इसको भी दे देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये 6 6 से कट आउट हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2x और 8 में से माइनस किया 6। और क्यों किया, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 8 में से 6 गया तो हमारे पास आ गए 2। अब यहाँ पर हमारे पास है x और ये है 2, तो 2 को 2 से डिवाइड जब हम करेंगे तो 2 1 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, x इक्वल हो जाएगा 1 के। अब हम यहाँ करते हैं पार्ट बी इसका, और पार्ट बी में हमारे पास है क्वेश्चन 5, पेरेंथेसिस x -7 = -15 के। तो ये भी एज इट इज़, आपने इस ब्रैकेट को जब खोलना है तो बाहर वाले नंबर जो है वो अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो 5x - 5x - 5 7 = 35 इक्वल करेंगे -15 के। अब हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम यहाँ इस वाले नंबर को हमने डबल करना है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो हम 5x - 35 + 35 = -15 + 35, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ भी प्लस के साथ दिया है। तो -35 और +35 कट रहा है आपस में, हमारे पास पीछे आ रहा है 5x इक्वल हो रहा है माइनस और प्लस माइनस हो गया। तो 35 में से जब हम 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 20, तो हम यहाँ लगाएंगे 20। और यहाँ माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि 35 जो बड़ा नंबर था उसके साथ प्लस का साइन था, इसलिए हम इसको सिर्फ 20 लिखेंगे। अब नीचे आ जाएगा x, 20 ऊपर और 5 जाएगा सेक्रीफाइस करने के लिए, x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। 5 1 5 एंड 5 4 20, तो ये बहुत ईजी बीजी आंसर इसका निकल आया हमारे पास। करेंगे अब हम अपना पार्ट सी। खोलेंगे हम अपनी सबसे पहले ब्रैकेट, 7 × 2 हो जाए तो आ जाता है 14, और हम ये माइनस का साइन साथ लेकर चलेंगे, -14x 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 28, तो प्लस का साइन साथ हम नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पर आ गया -4x। अब हमने आगे से बोरो करना है 28 को वैसे तो, लेकिन हम यहाँ 28 को नहीं लेंगे ना राइट हैंड के लिए ना लेफ्ट हैंड के लिए। क्यों, क्योंकि आपके राइट हैंड साइड पर जो आपके पास नंबर है उसके साथ एक वेरिएबल आ रहा है विच इज़ एक्स, तो इसका मतलब है कि 4 की जो है ना इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 14 के साथ, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर एक्स आ रहा हो अकेला, ठीक है। और जब ये दो नंबरों के साथ आता है तो हम वैसे ही एक्स को उठाकर यहाँ ले आते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पर खाली एक नंबर का होना ज़रूरी है,
बगैर एक्स के। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस 28 को अभी नहीं छेड़ते, हम इस 4x को यहाँ लेकर आएंगे प्लस के साथ। ये माइनस के साथ यहाँ पड़ा, हम यहाँ लेकर आएंगे इसको प्लस के साथ। आपने भी ये याद रखना है कि अगर आपके राइट हैंड साइड पर कोई x है और वो अकेला नंबर है तो आपने इस नंबर को नहीं छेड़ना, जिसको हम एक्चुअली में यूज़ करते हैं डबल करने के लिए, यहाँ भी देते हैं और यहाँ भी देते हैं। तो जब x के साथ ना हो तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर आप इसको यूज़ करें। लेकिन अगर यहाँ x के साथ अगर अकेला एक नंबर आ रहा है तो आपने उसको लेकर चलना है। आप देखें ऐसे 14x, और इसको यहाँ माइनस के साथ हो तो यहाँ हम प्लस में ले आएंगे इसको। 4x प्लस 28 इक्वल है माइनस 4x, और फिर यही वाला 4x जो हमने यहाँ दिया उसको भी हम वही देंगे 4x। अब आप यहाँ देख रहे हैं माइनस प्लस के साथ ये दोनों कट गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब ये कट गया तो यहाँ पर रह गया 0, और यहाँ माइनस प्लस ये भी माइनस होने जा रहा है। 14 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10x माइनस के साथ प्लस 28। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 0 है ना, तो और यहाँ पर हमारे पास ये नंबर है, अब यहाँ x नहीं रहा। अब हम इसको इजीली यूज़ करेंगे 28 को, जैसे हम करते होते हैं सारे क्वेश्चंस में। तो माइनस 10 प्लस 28 के साथ और माइनस 28 के साथ। एक्चुअली हमारे यहाँ लाहौर में बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो जा रही है, जिसकी वजह से मेरा UPS भी जो है वो भी काम नहीं कर रहा है। अभी पहले मैं UPS में काम कर रही थी, अब मैं अपने मोबाइल की लाइट से यूज़ कर रही हूँ उसको। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा जी, अब हम यहाँ इस 0 को भी क्या देने जा रहे हैं, माइनस 28। अब प्लस माइनस माइनस से कट गया ये देखें, और हमारे पास रह गया माइनस 10x, और यहाँ पर क्या रह गया माइनस 28। तो इसको हम अब x की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि देखें x हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया है। तो इस माइनस 10 को हम नीचे ले जाएंगे, 28 ऊपर आ जाएगा। तो कर लेते हैं पहले टेबल ऑफ टू से, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 4s are 8। हमारे पास 5 और 14 आ गया, जो सेम टेबल से नहीं जा सकता, तो हम इसको यूँ करते हैं, हम यहाँ रखते हैं और इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर हमने देना है। 5 2s are 10 और 4 आ गया रिमाइंडर। तो हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन का इसका आंसर आ गया, विच इज़ 5 का टेबल हमने पढ़ा है कहाँ तक, 2 तक, और हमारे पास रिमाइंडर आया 4। तो हमारा x की वैल्यू निकल आई है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं अपना, जो के है पार्ट हमारा डी, और डी पार्ट में है 3 2 - 0.4x इक्वल है 18 के। तो यहाँ से हम करेंगे मल्टीप्लाई इसको, 3 2s are 6 माइनस, और 3 के टेबल से इसको हम 0.4 को, मैंने आपको हमेशा कहा है कि इस तरह रख के क्या करें कि ताकि आपसे गलती ना हो। 3 4s are 12 1 यहाँ चला गया, 3 0 0 और ये 1 नीचे आ जाएगा 7 डेसिमल के। तो 1.2 आ गया x, और 18 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए हाँ, इसमें ये हमारे पास x वाली वैल्यू के साथ है, तो हम इस 6 को लेंगे डबल करके। यहाँ हमारे पास प्लस के साथ है तो हम आगे माइनस के साथ 6 ले लेंगे, और फिर दोबारा माइनस के साथ 1.2 आ गया x, और 18 के साथ भी हम माइनस 6 दे देंगे। अब यहाँ आपको पता है जब कुछ नहीं होता तो वो इट मीन्स के प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 6 से कट आउट हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा -1.2x इक्वल 18 में से 6 को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 6 माइनस हुआ तो आ गया 12। अब हम x की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं, ये वाला नंबर आप करने जा रहे हैं सेक्रीफाइस, ये जाएगा नीचे ऐसे, और इसको हम करेंगे ऐसे रख कर 12 और 1.2। तो 1.2 को हम जब इसे मल्टीप्लाई करने जाते हैं, अभी आपके पास बाहर जो डेसिमल है इसको आपने अगर हटाना है तो यहाँ आपने 0 लगा देना, तो ये बन जाएगा 120 और ये बन जाएगा 12। तो 12 का टेबल है, जब हम 10 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 120। तो इसका x की जो वैल्यू निकलेगी वो है 10। तो अब हम अगला क्वेश्चन अपना करते हैं, विच इज़ ई, और ई हमारे पास है 2 2x माइनस 2.2 इक्वल 4.6। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे जो मैंने आपको समझाया है, 2 2 4x आ जाएगा, और 2.2 के साथ जब इसको हम करते हैं 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 4, 2 2 4,
तो ये आ जाएगा 4.4 और इक्वल कर देंगे इसको 4.6 के साथ। अब आप यहाँ देख रहे हैं दोनों में कहीं x नहीं है, तो आप इसको यूज़ करेंगे 4x माइनस के साथ एक दफ़ा 4.4 और एक दफ़ा प्लस के साथ 4.4, और यहाँ 4.6 को एक दफ़ा फिर प्लस के साथ 4.4, क्योंकि यहाँ हमने प्लस के साथ दिया है। अब देखें ये माइनस प्लस माइनस हो गया, इसको कट डाउन कर देना है, इसको 4x को लिख देना, हमारे पास ये बचा। और 4.6 के अंदर जब आप 4.4 डालते हैं तो ये हो गया 10, 1 यहाँ चला गया और ये बन गया तब पूरा 9। ठीक है, फिर भी हम इसको एक दफ़ा ये चेक कर लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है, 6 and 4 हो गया 10 और 4, 8, 9 जी बिल्कुल डेसिमल के बाद 0 है तो हमारे पास सिर्फ ये 9 ही बचता है। अब यहाँ पर आ गया x इक्वल हो गया 9 के और ये हो गया 4। अब ये हमारे पास फिर मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आना चाहिए, तो 4 2 8 ठीक है और ये 1 आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर आता है मोस्टली मिक्स फ्रैक्शन में के 4 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा है 2 तक और रिमाइंडर हमारे पास आया है 1।